लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है और मैं अभी जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। आज तक पढ़ाने के दरमियान साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन दर्शन एक हिस्से के रूप में लगातार जुड़ा रहा। लेकिन इस समूह के बीच में दर्शन पर बोलना ये बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ बातें आपसे साझा कर सकूं। कुछ बातें तो जो मुझे कहनी थी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने तथ्यात्मक रूप से रख दी कि जिसे हम दर्शन कहते हैं उसकी पूरी रूपरेखा भारतीय संदर्भ में किस तरह से आकार लेती है, उसमें कितने प्रकार के दर्शन है और उनकी पूरी रूपरेखा कैसे हमारे आज तक की अतीत में विकसित हुई। मैं कुछ बातों के क्रम में एक दूसरे से जोड़ करके अपनी बात रखना चाह रहा हूं। मसलन दर्शन को लेकर के एक सामान्य धारणा ये है कि मनुष्य के अस्तित्व के होने में शुरुआती जो कुछ बिंदु है जिनसे आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से बाकी भी लिविंग से अलग है, उसमें बुनियादी तत्व है उसका बुद्धि और विवेक। भारतीय ज्ञान मीमांसा ने बुद्धि की बजाय विवेक शब्द को बहुत महत्वपूर्ण रखा। इसका बुनियादी आधार ये है कि विवेक में कई प्रकार के विस्तार की संभावना थी। इसीलिए जब भारतीय दर्शन की शुरुआत हम देखते हैं तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से चौथी ईस्वी तक के समय को विवेक काल कहते हैं, विवेक का दौर कहते हैं। और उस विवेक के दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि परस्पर विरोधी दर्शन विकसित होते रहे। और पूर्व के वक्ताओं ने उनका उल्लेख कर दिया है कि आस्तिकवादी दर्शन के साथ साथ नास्तिकवादी दर्शन भारतीय परंपरा में मिलते हैं। जब बुनियादी सवाल ये शुरू हुआ कि मनुष्य क्या है और मनुष्य के होने से जुड़ी हुई चीजें किन किन रूपों में आकार लेती हैं, उसी समय से निर्धारित होने लगा कि विमर्श किन विषयों पर होगा। उन विमर्शों का प्रस्थान बिंदु था कि आत्मा, जीव, संसार और उससे जुड़े हुए ईश्वर, माया और तमाम चीजों को विस्तारित रूप में दर्शन में व्याख्यायित किया गया। और सभी दार्शनिकों ने अलग अलग ढंग से ये बताया कि ईश्वर क्या है, मनुष्य क्या है, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है और उनका संसार से रिश्ता क्या है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके पूर्व की बातें हो चुकी हैं। मैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व से अपनी बात रेखांकित करना चाह रहा हूं कि जिस समय बौद्ध जैन दर्शन आए उन्होंने उसी समय के ईश्वरवाद के खिलाफ बातें कही और उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, आत्मा है लेकिन उसमें अपनी आत्मा, अपना दीपक आप खुद है। और उस समय उन्होंने उस पूरे स्थापित धार्मिक संरचना और दार्शनिक चिंतन के खिलाफ बातें कही। पूर्व के वक्ता ने कहा कि वो भारत में नहीं पनप पाया, यही विचार करने की जरूरत थी कि वे सारे दार्शनिक तत्वों पर प्रतिपक्ष में अपनी बात रखने वाले दर्शन कैसे चूक गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर दर्शन की कई रूपरेखाएं आती हैं जिनमें कर्मकांड धीरे धीरे हावी होने लगा और मूर्ति पूजा, कर्मकांड, दिखावा, आडंबर ये दर्शन पर हावी होने लगे। अन्यथा जिस पाइथागोरस प्रमेय की बात की जा रही थी वही तो न्याय, वैशेषिक और सांख्य दर्शन थे जिन्होंने पदार्थवादी आलोचना की कि एक पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, वहां पदार्थ था, कण था, वह कब धर्मशास्त्र और कर्मकांड में बदल गया, इसकी चिंता आज हमें करनी है, इसलिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उस धार्मिक सुधार आंदोलन के फिर प्रतिकार में नए विमर्शों की शुरुआत होती है जिसको हम शंकराचार्य तक देख सकते हैं। और शंकराचार्य के यहाँ आकर के फिर से वो अहम ब्रह्मस्म में आया कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ, सब ब्रह्म है, बस अंतर ये है कि ज्ञान न होने की वजह से आपको आभास नहीं है कि आप ही ब्रह्म है। लेकिन उसका फिर प्रतिकार हमारे भारतीय परंपरा में क्या मिलता है कि भक्ति आंदोलन शुरू होता है और उस भक्ति आंदोलन में फिर से रामानुजाचार्य से लेकर के वल्लभाचार्य तक आते हैं और वो ये कहते हैं कि यह पूरा जिसे आप मिथ्या कह रहे थे वही तो मूल है और इस मनुष्यता केंद्र में है, क्योंकि आपका दर्शन जो कल को मोक्ष पर आधारित था उसमें मनुष्य के दुख दर्द नहीं थे, भक्ति आंदोलन ने उसे मनुष्य के दुख दर्द से जोड़ा।
ये पूरे भारतीय दर्शन की सबसे खूबसूरत बात थी। और जिसका चूंकि समय कम है, मैं यही दो बातें कहना चाह रहा था कि दुनिया में आज जो 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 परिस्थितियां हैं उससे इतर हमें ये टटोलना होगा कि अपने अतीत में वे कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर के शायद कुछ स्वयंसेवक लोग हमें भरमाने पर लगे हैं कि बगिया एक ही रंग की खेली होगी। अरे हम तो उस बगिया के वासी हैं जहाँ की परस्पर विरोधी थी, विचार विरोधी थे, लेकिन किसी की मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। वो उनके सामने ही खड़े होकर के कहते थे कि हम आपके विचारों को नहीं मानते हैं, और कबीर के रूप में हमारे सामने आते हैं। और कबीर, सूर, तुलसी, उन सारे लोगों में देखेंगे कि अतीत के उन कर्मकांडी चीजों से दूर हट करके मोक्ष को संसार से जोड़ा। और फिर आज जब हम खड़े होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें ये टटोलना होगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक सुधार आंदोलन, पदार्थवादी दर्शन और भक्ति आंदोलन, ये तीनों वो प्रयाण हैं जिनसे आज के हम तमाम विमर्शों और सवालों से, उन लोगों की चुनौतियों से भी टकरा सकते हैं जो शायद आज हमें एक रंग में रंगना चाहते हैं। और अतीत में कबीर दास के उस दोहे के साथ खत्म करूंगा कि जरूरी नहीं है कि दर्शन पर बोलने के लिए हमें सारे वेद वेदांग सब कुछ पढ़ने चाहिए। हमें ये टटोलना होगा कि कबीर का अंतिम समय था तो एक दार्शनिक जो है बहुत प्रचलित था, उसने कहा कि मैं सारे लोगों को शास्त्रार्थ में हरा चुका हूं और सारे शास्त्र लेकर के कबीर को हराने जाता है। तो कबीर के एक वहां पर रहने वाला सेवक एक वाक्य बोलता है उसे कि जल कबीर का शिखर घर बात सिलैल गैल और पावन पावन टीके पे बिल का पंडित लाते बैल। अरे कबीर तो वो ज्ञान और अनुभव की बात करता है जिसकी राह बड़ी रपटीली है, तुम सारा शास्त्र लाद करके उसे हराने चले हो। आज जरूरत ये नहीं है कि शास्त्रों के विद्वान हो या शास्त्रों को हम बहुत जानने वाले हो, आज जरूरत इस बात की है कि अतीत को फिर से रिवाइज करें और देखें कि हम कहां से चले थे और मॉब लिंचिंग तक पहुंच गए। हम तो सबको बराबर तक मानने वाले थे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।